अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैज़ान जावेद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज फिर बारबेक्यू व्लॉग के साथ हाजिर हो गए हैं आपकी खिदमत में। ये देखें जी, टिक्का बोटी रेडी है। और इसके अलावा जिन लोगों को दुमचियों का पता है उनको मैं दिखाना ये चाहूँगा। ये देखें, दुमचियाँ मौजूद हैं और बहुत बहुत बड़े साइज़ की दुमचियाँ मौजूद हैं। और आज बहुत मज़ा आने वाला है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये देखें जी, हमने बॉनफायर रेडी कर लिया है क्योंकि सर्दी आपको पता है लाहौर में काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। 14 जनवरी का ये व्लॉग है, 14 जनवरी, और आज बहुत ज़्यादा ठंड है। आपको अब दिखाता हूँ टिक्कों की लुक। ये देखें, कोयले हमने फैला के रख दिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मसाला लगा हुआ है बोटियों को, ये आप देख सकते हैं। तैयार हैं और ये कह रही हैं कि हमें खा लो, हमें खा लो। बहुत ही प्यारी लुक आ रही है, ये देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है। टिक्का बोटी करवाई हुई है, इसमें लेग पीस भी है, चेस्ट की और थाई की भी पीस है। बहुत ही अच्छे से इसको मसाला लगा हुआ है। इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये चेक कर सकते हैं आप कि बोटियाँ पकना स्टार्ट हो गई हैं। और ये है जी इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी लुक आ रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है इनको देख के। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल भी लगा रहे हैं क्योंकि जो विंग्स होते हैं उनमें तो चलो थोड़ी चर्बी होती है, उनके अंदर से ऑयल निकल आता है, लेकिन जो टिक्का बोटी होती है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना पड़ता है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा और मैंने एक सीख पकड़ ली है। और ये देखें, ये फाइनल लुक है, विंग्स बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। मैं अब खाने लगा हूँ। सो गाइज, ये था हमारा छोटा सा मिनी व्लॉग बारबेक्यू से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। एंड पे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।